नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं BHU पाठशाला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि BHU से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड एजुकेशनल वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस पे आपसे डिस्कशन करूँगा। ये नोटिस परीक्षा नियंत्रण कार्यालय द्वारा जारी की गई है। ये नोटिस विशेषतः, या आप कह लीजिए कि ये नोटिस जो लोग स्पोर्ट्स कोटा क्लेम कर रहे हैं उनके लिए है। आप देखिए, स्क्रीन पे बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि ये नोटिस जो है वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए ही आई हुई है। आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए इस नोटिस में कि आपको करना क्या है, यानी नोटिस किस काम के लिए जारी की गई है। देखिए, नोटिस का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको यह बताना है कि जो मतलब इस नोटिस के माध्यम से परीक्षा नियंत्रण कार्यालय जो लोग स्पोर्ट्स कोटा क्लेम कर रहे हैं उनको यह बताना चाह रहा है कि उनको अपने BHU एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड जो है उसकी फोटोकॉपी, अपनी 10th एंड 12th के मार्कशीट्स की फ़ोटोकॉपी और साथ ही साथ मार्कशीट्स या सर्टिफिकेट जो भी हो आपके एप्लीकेबल हो, मान लीजिए अगर आपका मार्कशीट भी और फोटो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट भी हो, तो और दोनों हो तो दोनों चीज़ें की आपकी फ़ोटोकॉपी वहाँ लगेगी। और साथ ही साथ जो आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है या फिर पार्टिसिपेशन है, जहाँ पर भी आपने जो भी परफॉर्मेंस दिया है, जहाँ पर भी आपने प्रतिभाग किया है, उन सभी चीज़ों की फ़ोटोकॉपी जो है आपको UET सेल, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस के जो ऑफिस है उसके UET सेल में आपको 27 अक्टूबर तक जमा करना है, जिससे कि आपके प्रवेश की जो आगे की प्रक्रिया है उसको आगे जो है सुचारू ढंग से बढ़ाया जा सके। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी गुरुकुल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ BHU पाठशाला को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।